good guy, follow him. Thank you. This is just kidding. अब मैं जा रहा हूँ नासिर अल मॉन्क मॉस्क्यू, इसको पिंक मॉस्क्यू भी बोलते हैं, और ये मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम में देखने की इसकी लाइटें हैं वो जो सनराइज़ में बहुत अच्छी बताते हैं। अभी मैंने देखा कि 1 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। दिन में आज मौसम ठीक है, दिन में 15 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। और एक चीज़, हर घर के आगे एक पाइपलाइन होगी, गैस पाइपलाइन, ऑफिशियली उसका मीटर लगा हुआ। वॉल पेंटिंग बनाई हुई है यार सड़क की, मकान पे देखना, बड़ी प्यारी प्यारी बनाई हुई है। एक चीज़ और देखी हमने, जो यहाँ पे जितने भी मकान हैं, मकान के पीछे की छतों पे ना सिल्वर फॉइल लगाई हुई है, जिससे कि वो गर्मी है उसकी बाहर ना निकल। पहुँच गया अब हम पिंक मॉस्क्यू में, जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है ये पिंक मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू के अंदर खड़े हैं और ये जो ग्लास है इनका रिफ्लेक्शन दीवार पे आएगा, और वो रिफ्लेक्शन कैसे आता है, बड़ा प्यारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और पूरी बिल्डिंग को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक घंटे से फोटो सेशन चल रहा है और कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन इतनी प्यारी आई है ना, मज़ा आ गया देख के। मैं दिखा तो नहीं पा रहा क्योंकि काफ़ी ये चाइनीज़ लोग आए हुए हैं, ये बीच बीच में घूम रहे थे तो बढ़िया सा बना नहीं, पर बट अमेजिंग यार, यहाँ पे खड़ा होकर इस कलर को चेंज होते हुए देखना ना, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह आने का मज़ा आ गया। And it's very good for the building because it's come to each other and stop it for earthquake. Ah. Another thing, the size of here, it was bigger. Somebody stay here, do something very, speak very louder or do something shorter. Your voice for this decoration get echo. मैं आपको बता दूं ये क्या बदल रहे थे भाई। ये जो ऊपर है ना उसको टीथ वॉल बोलते हैं, मतलब दांत से निकाले हुए हैं, और नीचे थोड़ा खड्डा खोदा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे खड़े होकर अजान की जाती है तो उससे इको बनता है और साउंड आती है, पूरे एरिया में साउंड फैलती है। पहले जब कैमरा नहीं होते थे, स्पीकर नहीं होते थे, तब इसका यूज़ किया जाता था। Before of the Qajar. Karim Khan, it was the family of Zandiye. Sorry. No, it's okay. First it was Zandiye. Yes. Second Qajar. Yes. Third one and my last king, it was Pahlavi. Yeah. Called Shah. Mm-hmm. And they changed the revolution 1979. Okay. My last king going. अब मैं मस्जिद के बाहर की साइड आ गया हूँ भाई, और ये बीच का डिज़ाइन है, और इस तरफ जो ईरानियन डिज़ाइन है ना वो देखते ही बनता है यार,
रियली मतलब मन मोह लिया इसने। एक तो ये कलर रिफ्लेक्शन जो आया इसका सूरज की तरह वो आपको मैंने दिखाया, पर ये जो चीज़ यानी कलर रिफ्लेक्शन के अलावा जो ये कैंपस है बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, और इसके आर्किटेक्ट जो है ना गजब है यार। Welcome gentlemen to my city and my town in Shiraz and Iran. Here is the mosque of the Nasir al Mulk, and it's only mosque in the world to use the 7 color for each part of the Thailand ceramic. Okay. Because most of the mosques in the world only use 4 color. They use the black and white for wrote the calligraphy of the book of my God called Quran. And only blue and green. Here use the many color. The famous color in this mosque everywhere you can see is the pink color. थोड़ा सा डिफरेंट है पर मज़ेदार है यार, ऐसा देखने को कमी मिलता है। इतना प्यारी आर्किटेक्ट रियली लाइक, और मज़ा आ रहा है। आप लोगों को नहीं आ रहा होगा मुझे ही पता है, पर जो मज़ा मैं ले रहा हूँ आप थोड़ी ले सकते हो, उसके लिए तो आना पड़ेगा ना भाई। 20,000 तोमान और 2,00,000 रियल का टिकट है भाई इसके अंदर। तो अभी घूम फिर लिया, अभी अगले नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। नाउ वी इंटर इन द सेकंड प्लेस, फेम म्यूजियम। ये दीवारें वीवारें आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पे क्या फेम है वो देखें आज, कुछ फेम की चीज़ है कि नहीं है। व्हाट इज इट सेट? इट्स नॉट एज वेल फेमस एज दैट वन। ओके, वी गो देयर। या लेट्स गो देयर फर्स्ट भाई, इसका प्रोग्राम कैंसिल। तो नाउ नेक्स्ट, अभी गुड्डा गुड्डी तो अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे, डिज़ाइन कलाकारी का कोई जवाब नहीं है यार हर चीज़ में। हमें लगता था कि हमारा इंडियन में जो मुग़ल ने बनाया था वो बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं मुझे तो यहाँ पे देख के लगता है कि इस 100 times बेटर देन उस और मुग़ल आर्किटेक्ट्स। ये जो बिल्डिंग है ये 1257 से लेके 1267 में बनाई गई थी, और एक बिल्डिंग और है इसके साथ में, तो वो जो परली तरफ है उसके साथ में इसको कनेक्टेड किया गया है और एक सुरंग के थ्रू। तो वो सुरंग अंदर अभी बंद की हुई है तो उसके अंदर से नहीं जा सकते। अभी ये सिराज यूनिवर्सिटी के अंडर है तो यूनिवर्सिटी के लोग इसकी केयर टेक करते हैं। बिल्डिंग प्यारी बनाई हुई है भाई, बाकी कुछ हो ना हो, और मुझे तो इससे भी प्यारे लगते हैं। ये देखना संतरे लगे हैं बहुत सारे, दिल तो कर रहा है तोड़ तोड़ के खा लूँ बट पॉसिबल नहीं है। और अभी आपको इसके अंदर ले जाऊं थोड़ा सा दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। सेम अपने वाले सिस्टम है, वही गेट के ऊपर बंदूक वाला खड़ा कर दिया, शेर बनाया हुआ है, और ये पत्थर है यार, और ये लकड़ी से, ये पार्ट सारा लकड़ी का बना हुआ है, घोड़ा पत्थर, वही आर्किटेक्ट सेम का सेम जैसे इंडिया में होता था। यू रीड एवरीथिंग? I read. What is this? Oh, can this. You little bit explain? Oh, I haven't really. We can take a look at, well, it describes the other parts of the whole complex. So this is just one of the complex. But these buildings were connected. They have an underground passageway. Okay, and surang from under. Here to there. That place. Yeah, okay. From the Biruni. So we can go that place. Andaruni. Can we maybe go? Maybe not. Examples. Central residential buildings. Wow. Wow. Yeah. मोहतरमा हांगकांग से हैं और इन्होंने कहा कि हम आपके साथ में घूमेंगे। But they also have an
another story. They said because the first glass, they transport it from it's broken, so they just cut it. This must be open. Mirror hall connected to central veranda, the wooden arch window trap. पूरा शीशे का बना हुआ है, reflection देखिए इसमें. और ये central arch से उस जो tunnel है उससे connect हो जाता है. तो बना हुआ बड़ा प्यारा यार. ये जो दरवाजे बने हुए हैं सारे वेलनट मतलब अखरोट की लकड़ी से बने हुए हैं. और ये जो architect है ये सारा का सारा पुराना है. कलर कॉम्बिनेशन 7 कलर का है. और एंट्री बैन है तो क्या कर सकते हैं. वही है यार, म्यूजियम दिखा दिया. तुम ये नहीं कहोगे कि म्यूजियम नहीं दिखाया. आज तक मैं म्यूजियम में घुस नहीं रहता. कॉइन संभाल के रखी हुई है. ईसा पूर्व से अलेक्जेंडर के टाइम के सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, 4 द्रचमा किंग, 200 ईसा पूर्व का, 323 ईसा पूर्व का किंग अलेक्जेंडर. Where are you from? I'm from India. India. Yeah, it's actually India and Iran have a old relations. वो सूफी म्यूजिक बनाते हैं और सूफी म्यूजिक का स्पेशली डांस के लिए जो सूफी म्यूजिक तैयार होता है, they prepare the for only for dance. सूफी म्यूजिक. इसका गावा म्यूजिक. شمس و قمر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر ز خیال محمد، نور نتابد مگر ز جمال محمد. और ये पीछे है वकील मस्जिद. तो अब हम वकील मस्जिद के अंदर चलेंगे. She's from China. And वो अभी हमें मिले हैं और हमें इनसे बात हुई है. तो आज हम जो घूम रहे हैं इनके साथ में घूम रहे हैं. She is a good guide also. She's as a friend. Yeah. Actually क्या हुआ कि यार कुछ जगह नहीं मिल रही थी तो वो मुझे मिले तो बात करने का मौका मिला है. आई एम ग्रेट थैंकफुल टू यू फॉर योर कोऑपरेशन. एंड अभी हम जा रहे हैं वकील बाजार में. तो वकील बाजार में अभी वकील मस्जिद का तो आपको दिखा दिया. ये बहुत प्यारी मस्जिद है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल द आर्किटेक्ट इज. व्हाट यू से अबाउट दिस आर्किटेक्ट? इट्स स्पेक्टेक्युलर. यू शुड सी द प्रिंट योरसेल्फ. वेलकम टू ईरान. यू कैन सी सो मेनी फोटोग्राफर्स. So many photographers behind us. They are here lying on the ground taking the pictures. So yes. You should see it. Yeah. He's a good guy. Follow him. Ha, thank you. Thank you. This is just kidding. And अभी हम जा रहे हैं बाजार में. सो बाजार इज मतलब बाजार ही है. यहाँ पे इस मस्जिद का नाम भी तो वकील मस्जिद है यार. आपको अजीब सा लगेगा कि वकील मस्जिद का क्या नाम हो सकता है, पर ऐसा है, सच्चाई है. और ये पीछे भी देखिए बहुत प्यारी बनी हुई है. एंड आप लोग जानते ही हो वो सेल्फी एक्सपर्ट है. तो एक्चुअली वन थिंग इज़ दैट इज़ वेरी फेमस इन इंडिया नाउ अडेज. द चाइनीज आर वेरी
crazy about the selfie. Oh, we are. Is that real? No? Yes, we are. Yeah, we should take a selfie together. Okay, here. We look so pretty. And और उनका फोटो भी साफ आता है यार, हमारे तो साफ नहीं आता. ये सेल्फी एक्सपर्ट है, इनको सेल्फी एक्सपर्ट ही रहने देना चाहिए. Upload the selfie later. Yeah, sure. Thank you, thanks a lot. हम अब जा रहे हैं वकील बाजार की तरफ. It's so beautiful. तो मैं भी फंसा हुआ चाइनीज को. They're selling local carpets, Persian rings. Oh, wow. That's great. They're stunning. Really? Yes. And this is high. And they're really not very expensive, I think. $20 for each. It's beautiful. हजार रुपए में दो अंगूठी लेके चोरी हो रही है चाइनीज लेने की. ओके दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं खत्म कर रहे हैं और कल का व्लॉग हम जल्दी ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए. और कमेंट करके मुझे बताइए कि चाइनीज़ के साथ में अपनी जुगलबंदी कैसी रही. और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.